मेरे गुरु भाई बहन, आज आप सभी को दो भाइयों का कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आप सभी को कथा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय शिव जरूर लिखिए। जय शिव। एक गांव में दो भाई रहते थे। एक भाई बड़ा था, एक भाई छोटा था। दोनों साथ में ही रहते थे। बड़ा भाई का शादी हुआ था, घर में भाभी आई थी। तो कुछ दिन देखते देखते अपना प्रेम भाव से भाई को रखा। कुछ दिन के बाद भाभी को मैं मानने लगा कि इसको तो बेकार में ही हम बनाते खिलाते हैं। तब एक दिन अपने पति से बोली कि जी, अब भाई अब देखिए, अब तो कुछ कमाते धमाते हैं नहीं, तब इनको आप ये अलग कर दीजिए। तो बोला कि कैसे अलग कर दे, छोटा भाई है, लोग देखेगा तो क्या सुनेगा, तो क्या बोलेगा, रहने दो। फिर कुछ दिन बीता, फिर कुछ दिन के बाद फिर बोली, क्या जी आप सुनते नहीं हैं, आखिर कितना दिन तक चलेगा इस तरह से। बोला ठीक है भाई, भाई को अलग कर देते हैं। तो भाई को अलग कर दिया। करने के बाद तो गांव का किसान था, तो आप खेत उत के बारे में जानते ही होंगे। तो 5 बीघा खेत था उनके पास। तो 4 बीघा अपने ले लिया, 1 बीघा भाई को दिया। अब उतने में संतोष करके अपना रहने लगा छोटा भाई। तो बोला जे 1 बीघा खेत में क्या करें, सिर्फ हम फूल ही लगा देते हैं, भगवान जी को तो कम से कम चढ़ाने का काम में आएगा। तो अपना पूरा फूल का खेती कर दिया, बहुत बढ़िया फूल हुआ। तब एक रोज शाम में शिव गुरु जी और पार्वती जी निकले घूमने के लिए, तो देखे कि बहुत अच्छा फूल लगा हुआ है। तो वहीं पर बैठा था भाई, छोटा भाई। तो देखे तो बहुत अच्छा लगा फूल। तो पार्वती जी बोले कि जी लेकिन उसको तो 1 बीघा खेते मिला, तो उसमें भी ये फूल लगा दिया, फूल तो आप ही के ऊपर में चढ़ता है, तो आप कुछ दे दीजिए उसको। तो बोले कि ठीक है देंगे, तो आज तो मेरा झोली लाए नहीं है, कल लेकर के आएंगे तो दे देंगे। तो वहीं पर बड़ा भाई भी था, तो भी सुन रहा था। तो बोला बड़ा भाई कि बोलते हैं अपने भाई को कि आज हमको से रहने दो खेत पर। तो बोला कि बुआ से रहने दो मेरे को खेत पर, आज हम भी सो जाएंगे रात में। तो बोला नहीं नहीं, आप कहाँ ले सोइएगा, आप मत सोइए, मेरा खेत है, तो अब हम अपना देखेंगे, अपना रखवाली करेंगे। बोला कि नहीं अच्छा, तुम 60,000 रुपया ले लो। तो बोला ठीक है दीजिए, 60,000 रुपया दे दिए। तो दूसरा दिन फिर गया भाई सुतने। तो फिर पार्वती जी और शिव जी आए। तो पार्वती जी बोले कि जी तो देखिए ना, यहीं पर सोया हुआ है, तो दे दीजिए उसको कुछ पैसा। तो शिव जी बोले कि अब ठीक है, आज भी तो नहीं लाए, भूल गए, कल लाएंगे तो दे देंगे, कल देंगे तो 1,200,000 रुपया दे देंगे। तो भाई सुन रहा था, सुनते सुनते तो बोला कि कल तो उसको हम फुसला बहला के 60,000 रुपया दे दिए, आज किसे हम बोलेंगे कि हम जाएंगे सोने। अच्छा चलो। तो फिर बोला कि बाबू आज भर सोने दो, तो नहीं आज आपको सोना नहीं है, आज हम जाएंगे सोने। अच्छा ठीक है 2,00,000 रुपया ले लो तुम, लेकिन जाने दो मुझे सोना है। तब कि ठीक है दीजिए, जाइए सोइए। फिर बड़ा भाई सोने गया खेत पर। फिर पार्वती जी शंकर जी आए। पार्वती जी बोली कि आज तो लाए हैं ना, तो दे दीजिए। तब बोले कि दिए नहीं, हमारा ही दूसरा भाई दिया है, भाई का तो उतना ही खेत है, हम तो इतना दे दिए कि कितना अपना खरीद लेगा। तब तो बड़ा भाई सुन लिया, तो बोलता है कि लो भगवान जी तो हमको दिए भी नहीं है, जो भी हम रखे थे वो भाई के शंकर जी के नाम पर लेकर के दे दिए। अब अपना अब उसको बड़ा भाई को तो घाटा लग गया लालच में। अब छोटा भाई अपना उसका दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा अपने से।
श्री गुरु के कृपा से शिव आगे हो गया, हमसे आगे हो गया। तब शिव गुरु भाई बहन मेरा कथा समाप्त हुआ। अगर आप सभी को पसंद आए तब जय शिव।